हाय एवरीवन, हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के दिन की मैं बात करूँ तो सुबह सुबह मेरी नींद ठीक से हो नहीं पाई और मेरी आंखें अभी थोड़ी सी इस तरह से हो रही है। राहिल ने एकदम सुबह सुबह उठ गया और मेरे ऊपर ही वो पूरा लोट पोट हो रहा था। मैंने उसको कहा, भाई शांति से लेट जा, थोड़ा सा मुझे सोने दे, थोड़ी देर और सोने दे। पर वो यूजुअली जल्दी उठ जाता है और आज वो हमेशा से भी ज़्यादा जल्दी उठ गया था। एनीवे, आज के ब्लॉग में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई करने वाले हैं। हमें कुछ महीने पहले यूट्यूब से एक गिफ्ट बॉक्स आया था, उसमें अलग अलग चीज़ें थी। उसमें एक ब्लॉक प्रिंटिंग का भी किट है। तो वो जो किट है ना, मतलब इसमें एक टोट बैग दे रखी है, कुछ कलर्स है, प्राइमर है और ब्लॉक्स दिए हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। मैंने सोचा कि ट्राई किया जाए कैसा होता है, वो मज़ा आएगा ये चीज़ करने में। अभी लेकिन ये सब शुरू करने से पहले राहिने को हम लोग डे केयर छोड़ने जाएंगे। आजकल ये बड़ी परेशानी हो रही है कि बच्चों को बच्चों से इंटरेक्ट करने नहीं मिलता, मतलब आजकल नहीं, काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसलिए हम लोग डे केयर में राहिने को भेजते हैं। उससे क्या होता है, एक तो हमें भी थोड़ी देर के लिए पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, एट द सेम टाइम वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए भेजते हैं, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हैं, एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को बच्चों के साथ खेलने मिलता है और रहने का भी मन वहाँ पर लगता है। जैसे हम वहाँ से निकलते हैं, वो उनको बोलता है मैम को कि मैं कल आऊँगा। सबसे अच्छी बात है कि रहने भी डे केयर जाने के लिए खुश होता है और उतनी देर 2 घंटे हमें भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा हमें शांति मिलती है। खैर वो मेन रीज़न नहीं है, हम चाहते थे कि राहिल ने और बच्चों में घुले मिले, उसे फ्रेंड्स मिले, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है दूसरे बच्चों में, दूसरे लोगों में खेलना वगैरह। इसलिए हम लोगों ने डे केयर स्टार्ट किया। तो अभी हम लोग उसे छोड़ के आएंगे और उसके कुछ टाइम के बाद ब्लॉक प्रिंटिंग ट्राई करेंगे और बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का। ऑब्वियसली जब हम बीच में थोड़ा खाना वाना खाएंगे, मतलब हर चीज़ शायद मैं ब्लॉग में कवर ना करूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ब्लॉग में डे टू डे एक्टिविटी की हर चीज़ कैप्चर करना। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अरे कितना मस्त पापड़ है। मतलब सच में बता दो, तुम खेल रही हो या राहिल ने को खिला रही हो? क्या टिकड़ा कैसा बन गया? राहिल ने हैंड वॉश करना है खेलने के बाद। चलो बेटा देखकर चलेंगे। चलो बैग दे देना, मेरे पास दे देना। देखे, देखे, देखे। मैम बोलो, मैम मैम। अगर मैं अपने बालों की केयर ना करूं तो मेरे बाल फ्रिजी और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? वेल, अब नो मोर फ्रिजी, डैमेज्ड और अनमैनेजेबल है। से हाई टू वाउ स्किन साइंस मैकेडामिया नट ऑयल हेयर केयर रेंज। सबसे पहले मैं हेयर ऑयल लगाऊंगी। ये है वाउ स्किन साइंस का मैकेडामिया नट हेयर ऑयल। इस ऑयल में है मैकेडामिया नट ऑयल, विटामिन ई एंड लेमन ऑयल। ये हेयर ऑयल नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है वीक रूट्स को, स्प्लिट एंड रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है और रिस्टोर करता है डैमेज्ड हेयर को। अब ये हेयर ऑयल मैं 1 घंटे अपने बालों में रहने दूंगी और उसके बाद हेयर वॉश करूंगी। हेयर ऑयल लगाकर अब 1 आवर हो गया है और मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ। आज मैं वाउ स्किन साइंस की मैकेडामिया नट ऑयल हेयर केयर रेंज यूज कर रही हूँ, तो शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क भी इसी रेंज से है। ये है मैकेडामिया नट ऑयल शैम्पू। डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स, ड्राई एंड कर्ली हेयर के लिए एक ऑसम शैम्पू है। ये स्कैल्प को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है और सीबम को भी बैलेंस करता है, जिससे स्कैल्प इची एंड ड्राई नहीं होता। यह है कंडीशनर, लेकिन आज मैं हेयर मास्क लगाने वाली हूँ इसलिए कंडीशनर स्किप कर रही हूँ। कंडीशनर और हेयर मास्क दोनों को एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हेयर वॉश के बाद अब बाल थोड़े सूख गए हैं तो मैं मैकेडामिया नट ऑयल हेयर मास्क लगा रही हूँ। इसे बालों की मिड लेंथ से एंड तक लगाएं, स्कैल्प पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हेयर मास्क बालों को डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। ये भी कर्ली फ्रिजी बालों को सॉफ्ट करने में एंड रिपेयर करने में हेल्प करता है। अनमैनेजेबल बालों में भी शाइन ऐड करता है। इसे अब मैं 15 मिनट्स रखूंगी और फिर पानी से वॉश कर दूंगी। वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स हार्श केमिकल फ्री होते हैं। आपको इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, Priyanka20 फॉर डिस्काउंट। वाओ के हर ऑर्डर पर आपको मिलेगा एक सीड पाउच। इसको प्लांट करके आप बन सकते हैं एक प्राउड प्लांट पेरेंट। सो फ्रिजी हेयर को करो बाय,
बी वाओ नेचुरली। ये है ब्लॉक प्रिंटिंग का सेट जो YouTube से हमें मिला था, मतलब इसमें YouTube की ब्रांडिंग नहीं है, पूरा एक गिफ्ट बॉक्स था, उसमें अलग अलग चीज़ें थी काफ़ी अच्छी, हॉबी वाली, एक्सरसाइज के लिए स्किपिंग और काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें ये ब्लॉक प्रिंटिंग का किट भी था। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें ये कलर्स है, येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो ये इसमें कलर्स हैं। और साथ ही में जो कलर्स होते हैं ना ब्लॉक प्रिंटिंग के, उन्हें एक मीडियम में मिक्स करना होता है, तो यहाँ पे मीडियम भी है। ये भी इस किट में ही था, इन कलर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी इसमें दिए हैं। और इन्होंने एक टोट बैग दी है, मैं निकाल लेती हूँ, पड़ गई पन्नी। और ये एक इन्होंने एक पैड दिया है, तो ये छोटा सा किट है जिसे घर में यूज़ कर सकते हैं, वरना ये जो चीज़ें होती है ये बड़ी ब्लॉक प्रिंटिंग में काफ़ी अलग होती है, ये छोटा घर पे यूज़ करने वाला किट है। तो इसमें यहाँ पे दो पिंस दे रखी है, ये तो नॉर्मल जो हम सिलाई के टाइम पे यूज़ करते हैं वो पिंस है, ताकि जो ये बैग है इसे प्रिंटिंग के टाइम पे सिक्योर कर सके। तो इसमें ये इसमें आई है बैग, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस बैग पे ही प्रिंट कर सकते हैं, कोई टी शर्ट या फिर कुर्ती वगैरह पे भी कर सकते हैं, पर मैं आज इसी बैग पे करने वाली हूँ। वैसे तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो कपड़ा होता है उसे पहले वॉश कर ले अगर उसमें स्टार्च वार्च लगा है, पर मैं आज डायरेक्टली ही इसके ऊपर प्रिंट करने वाली हूँ। तो ये देखिए, सिंपल झोला टाइप ये बैग है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, इसके साथ ये ब्लॉक्स मिले हैं, देखो ये यूनिकॉर्न वाला है और ये दो पैटर्न्स है। मैं सोच रही हूँ ये यूनिकॉर्न वाला यूज़ नहीं करूँगी, ये वाला करूँगी और ये वाला करूँगी। इसके साथ इंस्ट्रक्शंस ये भी आए हैं कि जो बैग है इसके बीच में भी न्यूज़पेपर या कुछ सेपरेशन, ताकि यहाँ अगर प्रिंट कर रहे हैं तो बैग की दूसरी साइड में कहीं कलर ना लग जाए। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, दो कटोरियाँ, थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें लिखा है अगर ज़रूरत पड़े तो पानी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लेट, तो इसमें मैं मिक्स करूँगी प्राइमर और कलर, और उसमें अच्छे से इसको भिगा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, और इसके ऊपर जाएगा ये ब्लॉक, और ब्लॉक पे ये ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे, पर मुझे इसके ऊपर लाइन बनानी पड़ेगी पहले पेंसिल से। लाओ ना पेंसिल। ये लाइंस हो गई है। और एक इसमें यहाँ पे एक टिप दे रखी थी कि जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे 45 डिग्री की, यानी ये जो इंटरसेक्शन है लाइंस का, यहाँ से ऐसी लाइन बनानी है, इसका एक रीज़न है। ये जो 45 डिग्री की यहाँ पे लाइन दी है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब अगर कोई बॉर्डर बना रहे हैं और यहाँ से यहाँ पे चेंज करना है तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए कॉर्नर में, तो इसके अलोंग कोई एक पेपर रख देना है एंड फिर यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना, मतलब जो भी ब्लॉक है उसे स्टैम्प, उसका स्टैम्प लगाना है। उससे क्या होगा कि ये यहाँ तक ही आएगी, फिर सेम जब इस तरफ जाएंगे तब यहाँ से लगाएंगे। अच्छे से जो वो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो इस कलर में डूब जाना चाहिए, इसलिए इतना मैं ये डाल रही हूँ। और ये मैंने ब्लू वाला कलर लिया है, उप्स, कलर को तो नोजी आ गई, तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा डार्क कलर है ये। चम्मच में अभी भी थोड़ा सा प्राइमर है, तो मैं अब अपनी फिंगर्स इसमें डाल रही हूँ, भिगाना है। तो इसे अच्छे से मैं भीगने देती हूँ और मैं अपने हैंड वॉश करके आती हूँ। मैं न्यूज़पेपर पे ट्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा भिगो दिया मैंने, इसे हल्का सा प्रेस करके। अखबार पे ट्राई कर रही हूँ पहले, नीचे बैग आ गई, लेवल ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, चलो ट्राई किया जाए। पर एक पहला तो ये रखना पड़ेगा ना मुझे। ऐसे जाने देना पड़ेगा ना।
इसके पहले इस तरीके का काम तुमने डाकघर में किया होगा ना, पार्ट टाइम जॉब डाकघर में ठप्पे मारने में। पर मैंने कब किया ऐसा कुछ? समर कैंप में जाती हूँ ना। नहीं बाबा, भाई ये जो लाइन मैंने लगाई है बहुत जरूरी है, मतलब एटलीस्ट हम जैसों को जिनको ये करने की आदत नहीं है। कुछ वीडियोस में देखा था, पहले ये दिखा देते हैं। हाँ तो कुछ वीडियोस में मैंने देखा था, वो ब्लॉक प्रिंटिंग के जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो कितना फटाफट करते हैं। अरे उनको तो लाइन वाइन भी नहीं है, एक लगाया ठक। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आवाज नहीं आती रहती है, इसलिए हमारे टाइल्स की चिंकी इंट्रोस सारी हमने बंद ही कर दी है, जो कभी करते हैं तो घर के अंदर करना पड़ता है। बोलो तुम प्रोग्रेस सफल है इससे, इस वाली लाइन से ये वाली लाइन बेटर लग रही है ना। ठीक है, ये तो अभी पूरा नहीं है, ये आखिरी ब्लॉक जा रहा है। नहीं इसके बाद बॉर्डर वाला आएगा ना वो। हाँ। अब मैं इसके उल्टे साइड पे भी ये करूँगी, वरना इतना कलर जो है वो वेस्ट हो जाएगा ना। इतनी जल्दी सूख जाता है क्या उल्टा कर दिया तुमने? हाँ हाँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्लस मार्क किया है बीच में, और ये जो डिज़ाइन है इसे मैं ऐसे लगाने वाली हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ ऐसे 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 और ऐसे। तो कलर मैं सोच रही हूँ, तो येलो कलर बहुत हल्का है, तो एक छोटी सी ड्रॉप रेड की, ताकि ऑरेंज कलर मिल जाए हमें। तो एक ड्रॉप में भी कमाल कर दिया। फेस पे ट्राई कर लेती हूँ। पाँच पाँच ये बैग रेडी है, नॉट बैड, अच्छी लग रही है। फर्स्ट टाइम ब्लॉक प्रिंटिंग के हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से अच्छी है। अब ये जो पेंसिल के मार्क्स है ना, इन्हें मैं इरेज कर रही हूँ। देखना कलर ना निकल जाए। निकलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी जरा ध्यान से कर रही हूँ। तो ये मैंने बहुत ज्यादा इरेज नहीं किया, सिर्फ बीच की लाइन्स और साइड वाली, लेकिन जो बॉर्डर के अराउंड थी वो नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। न्यूज़पेपर इसके बीच वाला मैं थोड़ी देर के बाद निकालूंगी। तो अभी मैं सब समेट लूँगी ये सब, और मम्मी पापा आई राहिन ने चारों सो रहे हैं, और अभी हम लोग भी थोड़ा सा आराम करेंगे, और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा स्नैक बनाऊंगी। स्नैक रेडी है? स्नैक रेडी है, और ये आई को और मेरे पापा को बहुत पसंद है ये वाली चीज़, जो कि है ढोकला, खमन ढोकला खमन। तो ये हमारे यहाँ ढोकला ढोकला बोल के इसी को रेफर किया जाता है। देख तो बड़ा टेम्पटिंग रहा है। हाँ अभी को भी पसंद है, सिर्फ तो मेरी मम्मी को ही नहीं ज़्यादा पसंद है, बाकी सबको पसंद है। चलो और खाने के लिए प्लेट लो मम्मी, पूरा ही खा लेना। सवाल जवाब खेलेंगे क्या पापा जी? कौन बनेगा करोड़पति वाला? बोलो। आपने अगर जवाब दे दिया तो मैं आपको डायरेक्टली 10 करोड़ रुपए दूंगा। अरे बाप रे, इतना नहीं चाहिए मेरे को। नहीं चलो आप बहुत आसान से सवाल का जवाब दे दो। राहिन्ने के सर पे कितने बाल हैं? आप गिनती करो, उसके बाद में मुझे बताओ, मैं बता दूंगा। मुझे तो जवाब पता है।